Hello everyone, Ruchika this side and welcome back to Hidden Treasure. Well, it's a bright sunny day outside, finally in Mumbai, rains thode se kam ho gaye hain. और आज किचन में बटर पनीर मसाला बन रहा है जिसमें खूब सारा बटर और खूब सारी क्रीम जाती है. वेल, बटर पनीर मसाला एक नॉर्थ इंडियन डिश है और काफ़ी पुरानी डिश है. इसका इन्वेंशन कहते हैं मोती महल दिल्ली में हुआ था. वेल, मैंने फर्स्ट टाइम बटर पनीर मसाला वोल्गा रेस्टोरेंट में खाया था इन ग्वालियर, जहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुई हूँ, एंड तब से ये मेरा फेवरेट है और मुझे वोल्गा का बटर पनीर मसाला बहुत अच्छा लगता है स्टिल. बट मैं अब वहाँ नहीं जा सकती, तो मुझे खुद घर पे ही बनाना है, तो इसलिए आई एम ट्राइंग आउट द रेसिपी. सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी गाइस. तो इस तरह का बटर पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने पहले कुकर में आधा ग्लास पानी डाला है और फिर ये चार टमाटर आधे आधे काट के डालेंगे और फिर ये थोड़ी सी गाजर डाली है. गाजर जो होती है वो टमाटर की एसिडिटी को रिड्यूस करती है, तो अगर टमाटर आपको एसिडिक करता है तो आप उस चीज़ में गाजर ज़रूर डालिए. ये मैंने आधी ही डाली है, आप चाहो तो इसमें पूरी भी डाल सकते हो. इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है. ये एक इंच अदरक का टुकड़ा डाला है और ये गार्लिक है, अराउंड 5-6 क्लोव्स हैं इसके, और ये भी बीच में ही डालेंगे. और ये मीडियम साइज़ का अनियन बीच में मोटा मोटा काट के ही डाल देंगे. और ये थोड़ा सा काजू है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. और अगर आप बटर पनीर मसाला बना रहे हो तो कैलोरीज़ के बारे में मत सोचो. और ये आधी टीस्पून सॉल्ट डालूंगी मैं बीच में, और ये आधी ही टीस्पून लाल मिर्ची, और ये एक सूखी हुई लाल मिर्ची है, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बट इससे कलर बहुत अच्छा आता है तो इसलिए मैं डालती हूँ. आधी टीस्पून दालचीनी पाउडर है, ये भी मैं डालूंगी बीच में ही, क्योंकि जब हम इसको छानेंगे तो ये छन जाएगा और अभी बॉईल करते टाइम जो उसके फ्लेवर्स हैं वो अपने आप उसमें मिक्स हो जाएंगे. अब ये कुकर को हम बंद कर देंगे और इसको हम फुल पे 2 सीटी दिलवाएंगे. और ये अब कुकर ठंडा हो गया है, इसमें विसल आ गई थी और मैं अब इसको खोलती हूँ. और ये अच्छे से टमाटर गल गए हैं इसमें और प्याज वगैरह भी सब कुछ गल गया है. अब हम इसमें एक चर्नर चलाएंगे, बीच में ही चर्नर चला दूंगी इसमें और सब अच्छे से पिस. देखिए, लाल मिर्ची की वजह से उसमें कलर उसका बहुत ही अच्छा आया है. फिर ये एक टेबलस्पून क्रीम है, 2 स्पून इसमें क्रीम के जाएंगे. एज आई सेड, इस रेसिपी में आप कैलोरीज नहीं काउंट कर सकते हो, तो इसलिए इसमें तो क्रीम एंड एवरीथिंग विल डेफिनेटली गो. इसलिए इसमें कैलोरीज नहीं काउंट करते हैं, इसको मैं डिलीशियस पॉइंट्स बोलती हूँ, स्पेशली अगर मुझे कुछ ऐसा बनाना है तो आई एम जस्ट एडिंग मोर डिलीशियस पॉइंट्स टू इट. अब क्रीम ऐड करने के बाद मैं एक बार चर्नर चला दूंगी. आप ये मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हो, मेरे को ये थोड़ा सा हैंडी लगता है, चर्नर से कर लेती. वेल, ये मैं अब छान रही हूँ क्योंकि टमाटर का वो सीड उसमें मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है, छिलका भी और बीज भी, क्योंकि इसकी ग्रेवी काफ़ी स्मूथ होती है. और इसमें जो टमाटर हैं वो आप देसी वाले यूज़ करना, जो देसी टमाटर होता है वो खट्टा होता है तो वो अपने आप ही टेस्ट बहुत अच्छा देता है. लाल मिर्ची जो खड़ी डाली थी उसकी वजह से इसमें काफ़ी करारा सा टेस्ट आया है. हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, बट हरी मिर्ची की वजह से थोड़ा सा कलर लूज़ होगा, वरना कई लोग इसमें ऑरेंज कलर, इसको ऑथेंटिक देने के लिए इसमें ऑरेंज कलर डालते हैं. हमें वो सब कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लाल मिर्ची की वजह से उसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है. ये मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है और इस पे पहले मैं ये पनीर के पीसेस हल्के से सेक लूँगी. वैसे तो इनको डीप फ्राई करते हैं, बट इतना भी हम कैलोरीज नहीं इग्नोर कर सकते हैं आज के टाइम में. और ये भी स्लो पे ही सेकेंगे, हमें इसको फुल पे नहीं सेकना है. हल्का सा ऑयल इसमें ड्रिजल कर देंगे और ये मैं बैक बर्नर पे शिफ्ट कर दूंगी, वहाँ पे ये स्लो पे सिकता रहेगा, तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे. और इसकी ग्रेवी के लिए हमें पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है, बहुत थोड़ा सा, और उसमें मैंने ये
अराउंड 1 टेबल स्पून बटर का डाला है, क्योंकि बटर पनीर मसाला है तो बटर तो जाएगा, बिना उसके कैसे बनेगा। और इसी में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये डालेंगे, बट गैस स्लो ही रखिएगा, वरना क्योंकि बटर है तो बटर भी जल सकता है और गार्लिक भी जल सकता है, इसलिए थोड़ा स्लो फ्लेम पे ही बनाइएगा। नमक इसमें नहीं जाता है, हल्दी भी नहीं जाती है, क्योंकि नमक और हल्दी हम ऑलरेडी, हल्दी तो जाती ही नहीं है और नमक हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके थे। हल्की सी लाल मिर्ची इसमें जाएगी, 1/2 टीस्पून ये मैंने धनिया पाउडर डाला है, ये 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर है वो जाएगा, और ये थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये मैं ग्रेवी अब अपनी इसमें डाल दूंगी पूरी। और ये इसको हल्की सी स्वीटनेस देने के लिए मैं 1 स्पून सॉस की टोमेटो केचप का डालूंगी, ये इसको हल्की सी स्वीटनेस देगा, क्योंकि बटर पनीर मसाला थोड़ा सा स्वीट होता है, तो इसमें ये 1 स्पून केचप का जाएगा। ये देखिए, ये पनीर पे हल्का सा गोल्डन कलर ऐसे ही सेकने से ही हमारा आ गया है, और अब ये गैस हम तेज कर देंगे, और ये ग्रेवी में अब बॉईल आ गया है। अगर इन केस ये ग्रेवी पतली हो जाती है, पानी आप ज़्यादा डाल देते हैं कुकर में, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी मिक्स करके डाल सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए। बस पनीर जो अच्छे से गोल्डन ब्राउन मेरा हो गया है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और ये अब इसके ऊपर हरा धनिया जाएगा, थोड़ी सी ये हरी मिर्चें, और ये हमारा बटर पनीर मसाला तैयार है। इसको हम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, परांठे के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है, इवन सिंपल फुलके के साथ भी, गरम गरम फुलके के साथ इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। बस मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी से कैमरा बंद करूँ और इसके लिए गरम गरम नान बनाऊँ और उसको खाना स्टार्ट करूँ। नान मेरे बन गए हैं, प्याज कट गया है, और बटर पनीर मसाला बिना हरी मिर्ची के नहीं अच्छा लगता है, इसलिए साथ में एक हरी मिर्ची ज़रूर लीजिएगा। इफ़ यू लाइक द रेसिपी डू हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।